बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर कल्पना लाजमी का मुंबई में 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से किडनी के कैंसर से पीड़ित थीं। आइए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम बातों को जानते हैं। लाजमी और भूपेन हजारिका 40 साल तक हमराह रहे। हजारिका से पहली दफा मिलते वक्त लाजमी की उम्र केवल 17 साल थी। हाल ही में रिलीज हुई उनकी आत्मकथा भूपेन हजारिका यस आई न्यू हिम में लाजमी ने कहा है, मेरी उनके साथ नजरें मिली और पहली नजर में प्यार हो गया। इसका प्रतिबिंब मैंने 40 साल बाद भी उनकी आंखों में देखा, जब उनके जीवन की रोशनी पूछने वाली थी। हमारी जिंदगी में जवानी से बुजुर्ग होने तक पारस्परिक प्रेम और जुनून की निरंतर यात्रा रही। हमारी जिंदगी में कई अध्याय आए, कुछ को हमने संजोए रखा और कुछ ऐसे भी मिले जिनको हम भूलना चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा, भूपेन हजारिका के साथ मेरी प्रेम कहानी अलहदा थी। भूपेन के साथ 40 साल की खुशियों से भरी व्यक्तिगत और अशांत यात्रा रही, जिसने हमारे किरदारों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। आपको बता दें, भूपेन हजारिका का 5 नवंबर 2011 को निधन हो गया था। वहीं कल्पना लाजमी महिला प्रधान फिल्में बनाने के लिए जानी जाती थीं।